सदमा, चालबाज, मिस्टर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं रहीं। एक समारोह में शामिल होने दुबई गई श्रीदेवी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वह 54 साल की थीं। दुबई से उनका पार्थिव शरीर आज दोपहर तक मुंबई पहुंचेगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रीदेवी, पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ एक पारिवारिक शादी में शिरकत करने के लिए दुबई आई थी। श्रीदेवी की अचानक हुई मौत से पूरा देश भी सकते में है। श्रीदेवी को अचानक बाथरूम में कार्डियक अरेस्ट आया। बाद में अस्पताल के डॉक्टरों उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके करीबी रिश्तेदार के मुताबिक वे निजी जिंदगी में बेहद रिजर्व रहती थीं। उन्हें हर व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं था, लेकिन एक बार जिससे दोस्ती हुई तो फिर बात करने से हिचकिचाती नहीं थी। श्रीदेवी को कोई भी दिल की बीमारी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय श्रीदेवी की मौत हुई, उस समय वे होटल के अपने कमरे में अकेली थीं। श्रीदेवी शूटिंग के दौरान सेट पर भी खामोश रहती थीं, स्क्रिप्ट पढ़ती या फिर वैनिटी वैन में समय गुजारती, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू होती वे किरदार में यूं ढल जाती जैसे अब तक उस किरदार को ही जी रही हों। श्रीदेवी का यूं अचानक दुनिया को अलविदा कह देना सभी के लिए आहत कर देने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि साउथ कैलिफोर्निया के उनके डॉक्टर ने उन्हें कई डाइट पिल्स लेने की सलाह दी थी और वे उनका सेवन कर रही थीं। वह कई एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थीं। इनसे खून गाढ़ा होने की शिकायत होती है। सूत्रों के अनुसार श्रीदेवी की मौत की वजह यह भी हो सकती है। फिलहाल दुबई में हुए उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह सामने आएगी। गौरतलब है कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर सोमवार को दुबई से भारत लाया जाएगा। हर इवेंट और फंक्शन में साथ दिखने वाली श्रीदेवी और जाह्नवी आखिरी पलों में मां के साथ नहीं थीं। ऐसे में इस वक्त जाह्नवी के गम का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।